बेळगाव जिल्हा व परिसरातील ताज्या घडामोडी व्हिडिओ स्वरूपात पाहण्यासाठी आमच्या तरुण भारत डेली न्यूज या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या. आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपचा सभासद होण्यासाठी पुढील क्रमांकावर संपर्क साधा. 9379777388. अवयवदान हे एक महान दान असं मानलं जात आहे. एकाच्या शरीरातून दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये एखादा अवयव महत्त्वाचा जर गेला तर एखाद्याचं जीवन वाचवता येतं. पण या अवयवदानाबद्दल बरेचसे समज आणि गैरसमजही आहेत. लिव्हर ट्रान्सप्लांट संदर्भातील जी काही प्रक्रिया आहे ती बेळगावच्या KLE हॉस्पिटलमध्ये होणार आहे आणि त्यासंदर्भातला एक करार झाला आहे. या करारानुसार यकृत किंवा जे लिव्हर आपण म्हणतो इंग्लिशमध्ये त्या ट्रान्सप्लांटची नेमकी प्रक्रिया काय आहे आणि अवयवदान नेमकं का करावं आणि याबद्दलचे गैरसमज कसे दूर करता येईल या संदर्भात आम्ही डॉक्टर महोदयांशी बातचीत करणार आहोत. सर्वप्रथम आम्ही डॉक्टर सोनल यांच्याशी बातचीत करतोय. सर नमस्ते. आप यहाँ पे जो बेलगाम में आया है एक अच्छा काम हो रहा है KLE हॉस्पिटल में उसके बारे में थोड़ा बातचीत कीजिए. जी हाँ, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अंगदान से का उसका महत्व क्या है. हम लोग जो एक दिन मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे उसका उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या उसका क्या महत्व है लोगों के लिए. अब आपको मालूम है कि हमारे देश में ऑर्गन फेलियर आजकल उस दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और साल में आप देखेंगे तो भारत देश में अबाउट 2 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी जिनको किडनी फेलियर होता है, जिनका गुर्दा नहीं काम करता है, और अबाउट 30,000 ऐसे लोग हैं जिनका लिवर फेल हो जाता है, और 20,000 से 25,000 लोग ऐसे होंगे जिनका हार्ट ठीक से काम नहीं करता है. अगर आप इन लोगों को सब मिलाएंगे तो कम से कम 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल जिनकी मृत्यु ऑर्गन फेलियर की वजह से होती है सारे देश में. तो अगर आप अंगदान को लेंगे तो एक आदमी के अंग से एक किसी मनुष्य ने अगर व्यक्ति ने अपने अंग डोनेट किए हैं तो उससे कम से कम 8 लोगों की जान बच सकती है. अगर आप हार्ट लेंगे, लंग लेंगे, लिवर लेंगे, किडनी लेंगे, सब मिला के कम से कम 8 लोगों की जिंदगी बच सकती है. सो इससे महान दान और कुछ होता नहीं है. तो इसकी वजह से हमारे देश में भी अभी एक ऐसी ऐसा एक जागरूकता बढ़ी है. हमारे देश में भी एक ऐसा ऐसा मूवमेंट आया है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोग आगे आए कि उनके मृत्यु के बाद भी उनके अंग किसी और के काम आ पाए. तो सर ये जो ट्रांसप्लांट होगा यहाँ पे लीवर का उसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी और उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ आप करेंगे क्या? देखिए एक बात तो समझने वाली है कि जब ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि ऑर्गन डोनेशन हो. अब हमें मालूम है कि हमारे कर्नाटका में या महाराष्ट्र में सब मिला के इस समय काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पीड़ित हैं, जो जिनकी किडनी फेलियर या लिवर फेलियर की वजह से उनकी ज़िंदगी ना चल पा रही है और कई लोगों की ज़िंदगी रुक भी जाती है इसकी वजह से. तो इसके लिए पहली चीज़ मैं बोलूँगा जो सबसे ज़रूरी है वो एक जागरूकता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अंगदान हो सकता है, अंगदान का महत्व समझना चाहिए दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि दूसरे लोगों की मदद करना ये हमारे नेचर में, हमारे कल्चर में हमारी इच्छा होती है सबकी. किसको सबकी इच्छा होती है कि सबको दूसरों की मदद करें, दूसरों के काम आए. और मृत्यु के बाद अगर हो सके, जब अपने शरीर अपने काम का ना हो तो दूसरों के काम का आए. तो पहली बात यह है कि लोगों को इसका एक अवेयरनेस होता है. तो अवेयरनेस कैसे होगा, लोग सोचेंगे कि अच्छा ठीक है हम समझ गए पर आगे क्या करें. सबसे बड़ी बात समझने की है कि अब तो हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट करती है. हमारे अपने राष्ट्र में एक संस्था है जिसे जीव सार्थके बोलते हैं, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑर्गन डोनेशन करने के लिए. अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आए जब किसी की मृत्यु हो जाए और किसी के पास ऑर्गन डोनर कार्ड हो, कम से कम ये हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु से पहले क्या इच्छा थी ऑर्गन डोनेशन करने की. तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस, ना तो सिर्फ ये तो सिर्फ जनता में तो अवेयरनेस होनी है बल्कि हम ये भी देखते हैं कि कई सारे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो अस्पताल में भी काम करते हैं उनको भी कभी कभी ये पता नहीं होता है कि ये ब्रेन डेथ क्या होता है और ये ऑर्गन डोनेशन कब हो सकता है और किस स्थिति में हो सकती है. नव्या युगाच्या नव्या साड्याने स्मार्ट शहरात स्मार्ट दिसा. श्रावणोत्सव 2018 11व्या वर्षात पदार्पण. 1 ऑगस्ट 2018 पासून भव्य साडी सेल. जय गणेश क्लॉथ एम्पोरियम, श्रीलक्ष्मी होलसेल साडी डेपो,
1054-55 अनंतशयन गल्ली नरगुंकर भावे चौक बेळगाव. वेळ सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत. अवयवदानाबद्दलची माहिती आपण सरांबद्दल घेतली, आणखी पुढची माहिती आपण डॉक्टर रेहान यांच्याकडून घेणार आहे. तो सर मुझे ये बताइए कि अभी जैसा सर ने कहा कि आफ्टर ब्रेन डेड अवयवदान करना चाहिए या कर सकते, तो ये जो क्या है, कैसा पता चलता है कि उसका ब्रेन डेड हुआ है और वो उसको वो टाइम में अवयवदान कैसा कर सकता है वो आदमी? हमारे स्टेट में करीब करीब 2400 लोग ऐसे हैं हर साल जिनको किसी ना किसी ऑर्गन फेल्योर का शिकार होते हैं और जिनको ऑर्गन की ज़रूरत होती है. जनरली क्या होता है कि हमारे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं जिनसे लोगों को जैसे हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी होके उनके ब्रेन में ब्लीड हो जाती है और इससे ब्रेन की डेथ हो जाती है. ऐसा एक कंडीशन है. और काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी हैं जो जैसे आपने सुना होगा लोगों को स्ट्रोक हो जाता है या सडन ब्लीड हो जाती है कोई ब्लड वेसल की एबनॉर्मैलिटी से. ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो ब्रेन डेथ उनकी हो जाती है. और ये बहुत ऐसे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि ऐसे ये लीगल है या नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कंट्री में इसका पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कानून बना हुआ है. तो ब्रेन डेथ लीगली इज डेथ. ब्रेन डेथ का मतलब डेथ है. तो ये मोस्ट ऑफ्टन ऐसे पेशेंट्स जो आईसीयू में एडमिटेड हैं, जो वेंटिलेटर पर हैं, उनमें ऐसे काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आईसीयू के डॉक्टर्स को उनको पता लगता है कि शायद इनकी ब्रेन की डेथ हो गई है और उसके लिए उनको टेस्ट करना पड़ता है. ये नॉट ओनली अंगदान के लिए इम्पॉर्टेंट है बट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब ये ब्रेन की डेथ हो जाती है उस सिचुएशन में अगर हम ट्रीटमेंट को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो वो फैमिली के लिए सही नहीं है क्योंकि ये इरिवर्सिबल सिचुएशन है. एंड एक बार ब्रेन की डेथ हो गई तो मतलब पेशेंट इज नो मोर. खाली वो मशीन से कनेक्टेड है और बॉडी में खून दौड़ रहा है बट एक्चुअली उनकी डेथ हो चुकी है. तो इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बहुत क्लियर है कि ब्रेन डेथ इज डेथ. सो वेदर ये ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन डोनेशन को प्रोसीड होता है कि नहीं है वो अलग बात, दूसरी बात है. पहले तो ब्रेन डेथ अगर होती है तो वो फैमिली को बताना हमारा इसका कर्तव्य है, कर्तव्य. उसके बाद अगर फैमिली विलिंग है और उनको काउंसिल करके अगर वो दूसरे 8 लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, उनकी ऐसी इच्छा है, देन वो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको उसका नतीजे तक उसको पहुंचाएं. थैंक यू सर. डॉक्टर सोनल जींच्या बद्दल माहिती घेत असताना त्यांनी जवळजवळ 300 ट्रान्सप्लांट 300 वर केलेले आहेत, तर तो त्यांचा अनुभव कसा आहे? मुझे थोडा एक्सपिरियन्स आपका बताइए सर की 300 भी ज्यादा आपने ट्रान्सप्लांट किया है ऐसा मैंने सुना केले हॉस्पिटल से, तो वो कैसा था? देखिए ऐसा है कि हमारी एक टीम थोड़ी सी अलग सी टीम है, इसे हम लोग इंटीग्रेटेड लिवर केयर टीम कहते हैं. तो हमारी टीम में सब मिला के 10 से 12 जन हैं और हम लोग बैंगलोर में और कई अस्पतालों में साथ साथ मिलकर काम करते हैं. हमारी टीम की एक खासियत ये है कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय तक देश के बाहर ट्रेनिंग करके वापस आए हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग 500 से 1000 ट्रांस की भी ट्रेनिंग है हाई वॉल्यूम पे. तो सबकी ये इच्छा थी कि वापस आके अपने देश में कुछ करें, अपने देश का कुछ बढ़ावा करें. तो हम लोग ने जब बैंगलोर में जब शुरुआत की थी उस समय ऑर्गन डोनेशन इतना हो नहीं रहा था और कुछ बातें इतनी स्ट्रीमलाइन नहीं थी. तो अब ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पिछले 5 से 6 सालों में कितनी यहाँ पे उन्नति, कितनी तरक्की है और कितने लोगों का बेनिफिट हुआ है. और जहाँ तक बात ट्रांसप्लांट्स की रही है, हम लोग बैंगलोर में ट्रांसप्लांट करते हैं और हमारी टीम बैंगलोर की सबसे बड़ी ट्रांसप्लांट करने वाली टीम है. तो इसीलिए हम लोग जो डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन है, लिविंग ऑर्गन डोनेशन है, ये सब ट्रांसप्लांट करते हैं. अब जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि हमें मालूम है कि उत्तर कर्नाटका में ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों के पास ये लिवर ऑर्गन फेलियर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जो बैंगलोर तक नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका रिफ्रैंकली जिनके पास इतनी काबिलियत नहीं है, इतना पैसे नहीं है कि वो पूरे ट्रांसप्लांट के पैसे दे पाए. तो हमारी ये इच्छा थी और हमने जब केली के जो लीडर थे उनसे बातचीत की तो उनका भी ये था कि कुछ ऐसा हो जैसे हमारी जगह के लोगों को
थोड़ी आसानी से सुविधा मिल सके ऑर्गन ट्रांसप्लांट की। तो इसकी वजह से कुछ सालों से हमारी बातचीत चल रही है कि हम लोग साथ मिलकर कुछ करें। तो हमारी टीम यहाँ पे आके केली की टीम के साथ 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 बढ़ के हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट की यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, मैं लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा कि इस समय जो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है वो पूरी तरह से एक कानून के दायरे में हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, ये सिर्फ कर्नाटका का नहीं है और ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, ये पूरे कंट्री का कानून है। तो चाहे आप दिल्ली में कर रहे हैं या कर्नाटका में कर रहे हैं, जो रूल्स इसको संभालते हैं वो एक जैसे हैं, पूरे देश के रूल्स एक जैसे बने हुए हैं। तो एक तो ये लोगों को ये समझना है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो मन की बात में भी इसके बारे में दो बार बात की है और अंगदान के बारे में बात की है, तो उसकी वजह से ऑर्गन डोनेशन अभी बढ़ रहा है, अंगदान बढ़ रहा है और काफ़ी लोगों का इस समय फायदा हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे या जागतिक अवयवदान दिवसाच्या निमित्तानं आम्ही एकच एक पण करूया की ज्यांना कोणाला अवयवदान करता येईल त्यांनी अवयवदान करून इतरांना वाचवण्याचा प्रयत्न करूया। कॅमेरा पर्सन विजय निंबाळकरसह प्रसाद प्रभू, तरुण भारत सोशल मीडिया। सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।